हे एवरीबॉडी, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विद लॉ। आज की स्टूडियो में बात करेंगे जनरल एक्सेप्शन के बारे में, जो कि इंडियन पिनल कोड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और कई सारे सेक्शंस इसमें कवर होते हैं। जैसे कि देखिए, जो आईपीसी है वो बात करता है पनिशमेंट के बारे में, है ना। जितने भी प्रोविजन है पनिशमेंट के, रेप हुआ, मर्डर हुआ, जितने भी ऑफेंसेज है बड़े बड़े, रॉबरी, डकैती, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, अबेटमेंट, जो भी है, सारे के ऑफेंसेस के जो पनिशमेंट्स है वो सारे आईपीसी में दिए गए हैं, आपको पता ही है। लेकिन आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन भी दिया गया है, जिस वजह से जो अक्यूज्ड है वो उस चीज का प्ली ले सकता है कोर्ट में, ठीक है, एज ए डिफेंस वो उसको यूज कर सकता है। जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से 106 तक दिया गया है। तो एक ही वीडियो में सारे सेक्शंस को कवर करना आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगी सेक्शन 76 और सेक्शन 79 के बारे में, जो कि बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल गो विद लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो सब आप तक पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम गो विद लॉ 2020 मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से मुझे फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 76 बात करता है नो ऑफेंस इज एन ऑफेंस। कोई ऐसा ऑफेंस ऑफेंस नहीं है अगर कोई आदमी करता है, ठीक है, कोई ऑफेंस, तो उस ऑफेंस को ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो गुड फेथ में कर रहा है और अगर वो लॉफुली बाउंड है। सेक्शन 76 बात करता है लॉफुली बाउंड, ठीक है। ऐसा कोई काम अगर आप करते हैं या अगर कोई ऑफिसर करता है, अगर वो लॉ की तरफ से बाउंड है उस चीज को करने के लिए, तो वो उस चीज को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देखिए, एक्ट डन बाई ए पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ। एक पुलिस ऑफिसर है, मान लीजिए उनको अगर उनके सीनियर ऑफिसर ने बोला, ऑर्डर दिया कि जो भीड़ है, मॉब है, उसमें फायरिंग कर दो, अगर वो फायरिंग करते हैं तो इस चीज के लिए वो लायबल नहीं होंगे। इस चीज का वो प्ली ले सकते हैं, जो कि जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 76 में आता है। एक और एग्जाम्पल है, ए एक ऑफिसर है, ठीक है, और उनको कोर्ट से ऑर्डर आया है ऑफिसर को कि उनको वाई को अरेस्ट करना है। तो उन्होंने क्या किया, जेड को अरेस्ट कर लिया वाई समझ के, गलती से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो गया यहाँ पे, ठीक है, और लॉफुली बाउंड भी हो गया। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76 में, जैसे कि जो आर्मी ऑफिसर्स है, जो पुलिस ऑफिसर्स है, जो कोर्ट के जो ऑफिसर्स है, ये सारे कैटेगरी के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि सेक्शन 76 में कवर होंगे, ठीक है। सेक्शन 76 मतलब कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कर रहा है, ठीक है, कोई आदमी, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है इसमें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है। इन ए गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, अगर इन ए गुड फेथ जो आदमी है वो ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, जो भी ऑफिसर है उनको लग रहा है ना कि हाँ भाई मैं तो इस चीज से बाउंड हूं, ये उनकी ड्यूटी है, उनको करना ही पड़ेगा, तो इस चीज के लिए कोई भी ऑफिसर, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, वो इस चीज के लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ड्यूटी निभाते वक्त अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर कुछ करते हैं तो उस चीज का प्ली वो ले सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक मैगजीम है, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसेट इग्नोरेंशिया लेगीज नेमिनम एक्सक्यूसेट इज ए वेल नोन मैगजीम इन ए क्रिमिनल लॉ। इट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट देखिए एक्सक्यूज होता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये सेक्शन 76 है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है, और ये एक प्ली है जो अक्यूज ले सकता है, ठीक है, और अपनी ड्यूटी को निभाते वक्त अगर कोई बंदा अगर कोई ऑफेंस करता है और लॉफुली अगर वो बाउंड है तो इस चीज के लिए वो लायबल नहीं होगा। तो ये जनरल एक्सेप्शन के कैटेगरी में आएगा ये जो सेक्शन है सेक्शन 76। अब हम बात करते हैं सेक्शन 79 के बारे में। एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 76 में देखिए क्या था, बाउंड बाय लॉ था, है ना, ड्यूटी को निभाते वक्त वो लॉफुली बाउंड था, उसको करना ही पड़ेगा वो काम। लेकिन सेक्शन 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ है, लॉ की तरफ से भी हाँ भाई जस्टिफाइड है कि तुम ये काम कर सकते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो ले मैन है, जो कॉमन आदमी है, जैसे कि कोई भी कॉमन आदमी अगर वो कोई गलत ऑफेंस होते हुए देखता है
ठीक है, तो वो पुलिस को कॉल करके उस पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर सकता है जब तक कि पुलिस ना आ जाए। तो ये एक राइट होता है जो कॉमन पीपल के पास होता ही है। ठीक है, तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। जो जस्टिफाइड बाय लॉ है, वो आदमी अगर कोई ऑफेंस करता है जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो फिर जो ऑफेंस उन्होंने किया है उस चीज के लिए उसको लायबल नहीं माना जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। इसमें देखिए छोटा सा डिफरेंस भी है। सेक्शन 76 बात कर रहा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में, ठीक है, और सेक्शन 79 जो बात करता है मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। लेकिन यहां पे जो आदमी है जो ऑफेंस कमिट कर रहा है वो जस्टिफाइड होता है लॉ की तरफ से। तो अगर वो लॉफुली अगर कोई काम कर रहे हैं तो इस चीज के लिए जो वो पर्सन है वो लायबल नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे कि देखिए मैं जा रही हूं कहीं पे, ठीक है, मैंने एक बफेलो कार्ट देखा, बफेलो कार्ट यानी कि भैंस की गाड़ी, मैंने उसको जाते हुए देखा, ठीक है, तो मुझे कुछ सस्पिशियस लगा, मुझे ऐसा लगा कि उस गाड़ी में कुछ कुछ इलीगल हो रहा है, कोई स्मगलिंग वगैरह कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पुलिस की मदद से उस गाड़ी को वहीं पर रुकवा दिया, रॉन्गफुली कन्फाइंड कर दिया। तो जो कंप्लेंट है उन्होंने जाके कोर्ट में केस कर दिया कि मुझे रॉन्गफुली कन्फाइंड किया है इन दोनों ने। तो इस चीज के लिए जब जांच पड़ताल हुई तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सस्पिशियस लगा था मुझे लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मेरा राइट था ना, मेरा इंटेंशन तो गलत नहीं था, जस्टिफाइड बाय लॉ किया मैंने जो भी किया। तो जो मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट किया था उन्होंने, इस चीज का मैंने प्ली ले लिया कि, तो इस चीज का प्ली मैंने लिया अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी। और जो सेक्शन 76 था, जो लॉफुली बाउंड थे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो कौन थे, वो थे पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर की मदद से मैंने उस भैंस की गाड़ी को रोका ना, तो वो तो लॉफुली बाउंड थे, उनका ड्यूटी है। अगर कोई कॉमन मैन उनको कॉल करके अगर कोई बुला ले और अगर बोले कि मुझे सस्पिशियस कुछ लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है या कुछ गलत हुआ है, तो ऑब्वियसली पुलिस जांच पड़ताल करेंगे और हर पुलिस का ही अधिकार है। तो उस सोल्जर को, उस पुलिस ऑफिसर को इस चीज के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। तो वो अंडर सेक्शन 76 वो प्ली ले सकते हैं। और मैं, मेरे ऊपर जो केस फाइल हुआ था रॉन्गफुली कन्फाइंड का, वो भी उसके अंदर भी मैं प्ली ले सकती हूँ। तो ये कोई केस नहीं बनेगा, ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो सेक्शन 76 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। इन ए गुड फेथ अगर कोई ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, लॉफुली बाउंड है उस चीज के लिए, तो वो सेक्शन 76 हो जाएगा। और सेक्शन 79 बात करता है कोई आदमी अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, और जस्टिफाइड बाय लॉ है, अगर वो लॉ के नजर में कुछ गलत नहीं, एकदम सही है, जस्टिफिएबली अगर वो कर रहा है, तो उस चीज को वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 76 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में, सेक्शन 79 बात करता है मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि जो एक्ट जो जस्टिफिएबल है लॉ की तरफ से, ठीक है। इसमें एक केस था जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं नाम बताती हूँ उस केस का, केशव साहू वर्सेस सालिग्राम साह। इस केस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी आपको, ठीक है, इस केस का जो नाम है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में और सेक्शन 79 को हमने डिस्कस किया। तो जो जुडिशियल एक्ट्स है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद एक्सीडेंट है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो सारे सेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में सारे कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और कमेंट सेक्शन में जो भी बात है, कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में आराम से बताइए, मुझे कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, या अगर आप नए टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तब भी आप मुझे जरूर बताइए। और डू सब्सक्राइब माई चैनल गो विथ लॉ एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गो विथ लॉ 2020। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।